अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ पोल्ट्री यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अबू बकर नईम। ठीक है, आज मैं आपको पीएच टेस्ट, वाटर का पीएच टेस्ट जो है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम फर्स्ट वी टेक वाटर सैंपल इन अ बीकर। सबसे पहले जो हमारे पास एक सैंपल होगा, ठीक है, लाइक डिफरेंट जो है कोई पोल्ट्री फार्म से सैंपल आ जाता है, डेयरी फार्म से सैंपल आ जाता है, तो उसकी पीएच वगैरह टेस्ट करते हैं। इस तरह वाटर के टीडीएस टेस्ट भी होता है। सो आज हम करेंगे वो पीएच टेस्ट करेंगे वाटर का। इसमें सबसे पहले हम बीकर एक लेंगे, 100 ml वाला बीकर ले लेंगे, उसके अंदर जो है हम सैंपल डालेंगे। ठीक है, सैंपल डालने के बाद देन उसको हम इलेक्ट्रोड, जो पीएच मशीन होती है, इसके नीचे रखेंगे। फिर पीएच मशीन का जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसको हम उस बीकर के अंदर जिसमें सैंपल होगा उसमें हम इसको डिप कर देंगे। डिप करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद मशीन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मशीन को जब स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे एक आ रही होगी, जब ये ब्लिंक हो रहा होगा जब, उस वक्त हमने रीडिंग नोट नहीं करनी, यहाँ पे भी रीडिंग चेंज होती जाएगी। जब यहाँ पे रेडी लिखा आ जाएगा तो हमने ये जो उस टाइम रीडिंग होगी वो हमने नोट करनी है, वही उस पानी की पीएच होगी। ठीक है, तो अभी हमने पीएच तो नोट कर ली पानी की, अब हमारे पास 7.42 आ गई पीएच। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड पीएच जो है वो पानी की वो है 4.7। ठीक है, तो अब जो है हमने हम क्या करते हैं, टू अटेन स्टैंडर्ड पीएच ऑफ सैंपल टाइट्रेटेड विद एसिटिक एसिड, हम जो है एसिटिक एसिड के साथ जो है उसको टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम एसिटिक एसिड को हम पिपेट में लेते हैं और उसको टाइट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो है जब तक व्हेन स्टैंडर्ड पीएच अटेन स्टॉप टाइट्रेशन, फिर हम टाइट्रेशन जब स्टार्ट करते हैं तो जब हमारे पास ये वाली रीडिंग आ जाती है, स्टैंडर्ड एक रीडिंग आ जाती है, मींस उस पानी की पीएच इतनी यहाँ तक हो जाती है 4.7 तक, तो हम टाइट्रेशन रोक देते हैं और जो पिपेट में हमने लिया होता है एसिटिक एसिड उसकी हम इनिशियल और फाइनल रीडिंग हम नोट कर लेते हैं और उसी पे फिर हम उसको हम एक माइनस करके हमारे पास रीडिंग आ जाती है और फिर हम उसको बता देते हैं कि भाई इतनी आप एसिटिक एसिड यूज़ करोगे तो आपकी जो पीएच है पानी की वो इतनी हो जाएगी, आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो जाएगी। अगर आप इतना एसिटिक एसिड यूज़ करोगे फिर वो जो है जहाँ का भी पानी होगा तो वहाँ पे जब पानी को यूज़ करेंगे, लाइक टैंकी के अंदर वो इस तरह एसिटिक एसिड को है वो डाल देंगे तो वहाँ की पीएच जो है वो उस पानी की कम हो जाएगी। इस तरह उतनी डालेंगे जितना यहाँ पे आया होगा इनिशियल ऑफ फाइनल रीडिंग को माइनस करके। ठीक है, सो ये टोटली एक प्रोसीजर है पीएच टेस्ट का। तो आफ्टर इट वाश पीएच इलेक्ट्रोड मशीन, फिर जो है इसको ये इलेक्ट्रोड जो होता है ये टेम्परेचर के लिए होता है, ये इलेक्ट्रोड होता है पीएच चेक करने के लिए, तो इसको दोनों को जो है फिर डिस्टिल वाटर के साथ वाश कर देना है। ठीक है, ताकि हमारा जो अगले टेस्ट के लिए ये तैयार हो सके, और एंड्राइड विद टिश्यू पेपर, उसको टिश्यू पेपर के साथ साफ कर देना है, तो हमारा टेस्ट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा।